महेंद्र जी, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। इस बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि दिल्ली से मिल रही है। जहां भारत बंद को लेकर यहाँ जो तस्वीर निकल कर सामने आ रही है, आम आदमी पार्टी को यहाँ सीएम अरविंद केजरीवाल को नजरबंद कर दिया सिंधु बॉर्डर जाने के बाद से ही, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और हमारे साथ फोन लाइन पर वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप जी जुड़ गए हैं। वेद प्रताप जी, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है डीएनएन में। वेद प्रताप वैदिक जी, जिस तरह की यहाँ तस्वीरें लगातार निकलकर सामने आ रही, देश भर में भारत बंद को लेकर कहीं ना कहीं उग्र होता हुआ नजर आ रहा है, आपसे समझना चाहेंगे। जी, किसानों का भारत बंद जी अगर सफल होता है तो ये एक बड़ी चुनौती बनेगा नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए। सच पूछा जाए तो यह पहली एक राष्ट्रीय चुनौती है इस सरकार को जब से प्रारंभ हुई है। और मैं समझता हूँ कि सरकार जिस तरह की लचीलापन आ रही है, मुझे लगता है कि कोई समझौता निकल आए, क्योंकि सरकार सारे सुझाव ले रही है किसानों से, कल उनकी बात होने वाली है और किसान भी बड़े संयम का निश्चय दे रहे हैं। अभी तक किसी भी तौर पर हिंसा आग देने की घटना की खबर नहीं है। और देखिए, इतने लाखों लोगों का भोजन, शौच, निद्रा सब की व्यवस्था इतने ढंग से हो रही है। और दिल्ली की सरकार भी, यानी ये आप पार्टी सरकार है, ये भी बहुत करती है किसानों जी। इसके मैं समझता हूँ कि केंद्र की सरकार को चाहिए जी कि वो दिल्ली की सरकार के साथ पूरा सहयोग करे जी, किसानों को कोई असुविधा ना होने दे, वो भी देश के गौरव हैं, बात करे और बात करके सारे मामले को सुलझाए। सर, इसमें जो जिस तरीके का सियासी तड़का लगा है सर, कि 13 राज्यों की सरकारों ने समर्थन दिया है, बाकी जो भाजपा शासित राज्य हैं वहाँ उनको समर्थन नहीं मिल रहा, तो ये जो सियासत की कंट्रोवर्सी किसान आंदोलन के साथ खड़ी हो गई सर, इसके बारे में भी आपसे कुछ समझना चाहेंगे सर। ये प्रश्न आपने बहुत अच्छा पूछा है और ये किसी भी देश की राजनीति का दुर्भाग्य है कि किसी भी मुद्दे पर राष्ट्रीय दृष्टि से सोचने की बजाय हमारे नेता लोग राजनीतिक दृष्टि से सोचने लगते हैं जी। इसी कानून का, लगभग इसी तरह के कानून का, या इस कानून में जिन बातों कहा गया उनका जी, जो नेता 5 साल 10 साल पहले मंत्री या मुख्यमंत्री होने पर समर्थन कर रहे थे जी, जो पार्टियां समर्थन कर रही थी जी, वो जब इसके विरोध में जुट गई है। बिल्कुल सर। जो पार्टियां 2 साल पहले एकदम चुप थी जी, अब उनकी भी जुबान आ गई है, वो भी बोल रही है। तो सर, ये बिल्कुल ये माना जाएगा कि किसानों के आंदोलन पर अब राजनीतिक रोटियां सेकने की बात होने लगी है, बाकी किसानों के हक से किसी को कोई लेना देना नहीं। एकदम आपने बिल्कुल पते की बात कही है। हिंदुस्तान का किसान जितना पिछड़ा हुआ है जी, किसी भी संपन्न देश का, प्रगतिशील देश का किसान इतना पिछड़ा हुआ नहीं है जी। हमारे यहाँ पैदावार के दाम सब इतने कम मिलते हैं किसान को कि हमारा किसान यूरोप और अमेरिका के किसानों के मुकाबले 1/4 भी नहीं है। बिल्कुल। कोशिश होनी चाहिए सरकार की और विरोधी किसानों की तरफ से कि भाई किसान की उपज बढ़े, किसान को दाम ज्यादा मिले जी, उन्नति हो। इतने करोड़ लोग हैं, 50 करोड़ लोग खेती पर निर्भर हैं जी, सबको लाभ मिले इस योजना बनानी चाहिए और साथ दिमाग लगा के एक साथ सोचकर हल निकालना चाहिए जी। ये इसमें आप खड़े हो गए, ये समर्थन, यानी हर बात का समर्थन कर रहे हैं, उसी संस्कृत का कोई बोध नहीं है जी। ये सभी पार्टियों के लिए गलत नीति है, देशभक्ति नीति जी। तो सर, आप वहां दिल्ली से लगातार नजर बनाए हुए हैं, तो क्या लगता है सर, सरकार कुछ झुकेगी क्या? MSP और अन्य जो निजीकरण, मंडी के निजीकरण की बात होगी, उसमें कहीं कंप्रोमाइज की स्थिति बनेगी किसानों के साथ केंद्र की मोदी सरकार की? बिल्कुल बनेगी और इसके संकेत कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने दिए हैं। और नरेंद्र तोमर जिस विनम्रता से और शिष्टाचार के साथ बात कर रहे हैं किसान नेताओं से जी, वो मुझे बहुत अच्छी लग रही है जी। और मैं समझता हूँ कि जो किसान नेता सुझाव दे रहे हैं, वो सुझाव भी इस दृष्टि से दे रहे हैं कि किसानों को नुकसान न हो जाए। उनको एक तरह से भ्रम पैदा हो गया है उनके मन में जी। उनको डर पैदा हो गया है कि पूंजीपति लोग हमारी खेती पर कब्जा न कर लें जी।
जी, उस डर को निकालना नरेंद्र मोदी का काम है, अमित शाह का काम है और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का काम है। सर आपका नजरिया भी तो सर हमें बताएं कि आखिर आपकी दृष्टि से क्या जो जिस तरीके से किसान सोच रहे हैं या जिस तरीके से सियासी दल किसानों से भड़का रहे हैं या यूं कहें कि समझाइश दे रहे हैं, तो इसमें सर सच्चाई क्या है? क्या जो कृषि बिल के कानून है ये वास्तव में किसानों के हितकारी हैं या फिर इसमें कुछ ट्विस्ट है? सर देखो, मेरी मोटी मोटी राय ये है जी कि इन कानूनों ने किसानों के लिए एक नया दरवाजा खोला है जी, और जो डर हो रहा है ना जी, वो किन किसानों को हो रहा है? जो मुश्किल से 6% है जी, पंजाब हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान जी, जो MSP का फायदा उठाते हैं जी। लेकिन मैं पूछता हूँ कि सरकार अगर MSP पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदना धान खरीदना बंद कर दे तो ये क्या करेंगे? सही बात सर जी, मुसीबत नहीं हो जाए हो जाए? सरकार कहेगी कि हमको अपने जो मुफ्त वितरण करते हैं या राशन की दुकानों में जो कम दाम पर देते हैं जी, वो हम बंद कर रहे हैं से ही बंद जी, क्या करेंगे? बिल्कुल सही जी, सरकार खरीदे ही ऐसा तो कोई कानून है नहीं। बिल्कुल सर, सरकार मानो बहुत ही सरल सरकार हो और खिलाफ हो जाए किसानों को। बिल्कुल वेद प्रताप वैदिक जी, आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत शुक्रिया। तो ये लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे थे कि कहाँ क्या कुछ हालात हैं। ऐसे में अगर बात दिल्ली की जाए तो दिल्ली में आपको बता दें कि नजरबंद CM अरविंद केजरीवाल को कर दिया गया, क्योंकि आप भी किसानों के समर्थन में उतर गई थी।